इस वीडियो में आप देखने वाले फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट और उसके साथ हम लोग ये प्रोग्राम 13 भी देख लेंगे, जैसे स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं अपर केस में। और तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, पहला फीचर है परफॉर्म इनपुट डेटा वैलिडेशन, मतलब जो भी इनपुट है उसको वैलिड करेगा सही है कि नहीं ऐसा। और फिर उसके बाद दिया इट इज़ केस सेंसिटिव, मतलब अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग है ऐसा। और फिर इट कैन हैंडल डेट एंड टाइम इफेक्टिवली, डेट और टाइम को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। जैसे एचटीएमएल में इतना नहीं हो सकता एक्यूरेट, लेकिन इसमें एक्यूरेट हो सकता है, एकदम एक्यूरेट। और फिर इट मेक वेब पेज मोर इंटरेक्टिव, वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाता है, क्लिकेबल बना सकता है, ऐसा कुछ बना सकता है। और फिर जावास्क्रिप्ट सबसे लाइट वेट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसीलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग इसके बाद ये देखते हैं प्रोग्राम 13। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने इधर फंक्शन बना दिया डिस्प्ले नाम का, और फिर वेरिएबल एक लिया वेरिएबल ए, और ए को हम इन लोग ने ए की वैल्यू फॉर्म 1 से उठाई है। ये देखो यहाँ पे फॉर्म वन के T1 में से इसमें से उठाई है वैल्यू, और फिर इसको F2 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लिख दिया form1.t2.value। जैसे कि अब देखो ये form1, यहाँ पे T2, यहाँ पे T2, मतलब यहाँ में वो कन्वर्ट कर देगा, वो वैल्यू को यहाँ पे डाल देगा। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। अभी इधर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, अभी इधर पे एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म अभी फॉर्म में हम लोग पहला देते हैं एंटर वैल्यू, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट और फिर इधर आएगा नेम इज इक्वल टू T1 दे देते सपोज। अभी इसके बाद हम लोग लिख देते हैं बटन ले लेते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन वैल्यू इज इक्वल टू, अभी इसमें क्या लिखना चाहिए, चेंज इसके लिए लिया क्योंकि वो चेंज कर रहा है, इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हो इधर। अभी इधर हम लोग फंक्शन के लिए ऑन क्लिक डाल देते हैं, ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन डाल दे देंगे हम लोग ABC। अब यहाँ पे अपर केस स्ट्रिंग वैल्यू लिख देते, अब यहाँ पे वापस इनपुट ले लेते टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और फिर नेम दे देते T2 दे देते। तो अभी इधर फॉर्म तो हो गया, हम लोग ने फॉर्म बना लिया, देखो इधर पे
देखो इधर फॉर्म बना दिया, अभी बीआर टैग यूज कर लेते इधर पे। देखो एक फॉर्म बना दिया मैंने, अभी इधर पे ए में हम लोग ले लेते हैं ए इज इक्वल टू, फॉर्म का नेम नहीं दिया मैंने इधर पे, नेम इज इक्वल टू F1। अभी F1 में मतलब इसके वैल्यू लेने के लिए F1 डॉट, अभी यहाँ से लेने का ना वैल्यू, तो फिर डॉट T1 डॉट वैल्यू, ये इधर से वैल्यू ले लिया। अभी इधर से क्लोज करने के बाद अभी इधर पे ही अपना क्या बोलते इधर पे F2 आ जाएगा, F1 ही आएगा, F1 डॉट T2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ये कोई हम लोग का कन्वर्ट करना है A डॉट टू अपर केस, अपर केस का U और C कैपिटल का, इतना हो गया अभी। पर कैसे आ गए अभी मैं इसको पूरा फंक्शन में ले रहा था, एक फंक्शन नेम दे देते हैं ABC, देखो अभी इतना लिख दिया, अभी देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, देखो ये देखो अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक कैपिटल लिया है और यहाँ पे स्मॉल है, तो मैंने बताया था कि ये केस सेंसिटिव होता है, तो अभी देखो और यहाँ का ये भी हटा दिया मैंने, देखो अभी यहाँ से सपोज मैं लिख देता हूँ आयुष, अभी इसको चेंज करेगा तो कैपिटल हो जाएगा, और सिमिलरली अभी मैं सपोज मैं लिखता हूँ इंडिया, तो ये इंडिया कैपिटल में जाएगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये इतना ही था, अभी इसका उल्टा होता है लोअर केस, अभी इधर अपर केस की जगह लिखेंगे लोअर केस का एल कैपिटल आएगा, और सॉरी यहाँ पे मेरे को लिखना है लोअर केस, अभी देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा का पूरा स्मॉल हो गया, अभी इसके लिए मैं आपको इधर लिख के दे दूँ, देखो पूरा स्मॉल में हो गया, देखो पूरा हो गया स्मॉल में। तो यही था छोटा मोटा अपर केस और लोअर केस, ये यूज़ आपने देखा रहेगा जीमेल होता है, तो जीमेल अपन कैपिटल में लिखते हैं तो स्मॉल हो जाता है, उधर यूज़ होता है और भी बहुत जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि ईमेल आईडी पासवर्ड बहुत सारे यूज़ में होता है, बहुत सारे वेबसाइट पे भी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, उधर भी मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ।